सो वेलकम बैक गाइस, प्रजय हियर। और यहाँ पे हमारे पास है नॉइस कलरफिट अल्ट्रा। ओ भाई, यहाँ पे और एक स्मार्ट वॉच जो है वो लॉन्च हो गया है फ्रॉम द नॉइस। और देखते हैं ये स्मार्ट वॉच में क्या खास और यूनिक है। और हाँ, यहाँ पे मैं एक बात की आपको गारंटी देता हूँ, यहाँ पे जो रिव्यू डाला है ऑनेस्ट रिव्यू है। और भाई, अगर आप इसे सोच रहे हो परचेस करने के लिए, तो भाई ये वीडियो आपके लिए है, पूरा देखें। अगर आप स्किप करोगे तो मे बी जो मेजर पॉइंट है वो यहाँ पे मिस हो जाएगा। तो देखते हैं वीडियो में क्या खास और यूनिक है, परचेस कर सकते हो और नहीं कर सकते। और हाँ, ऐसे और भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन जाके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूले। सो दोस्तों, शुरू करते हैं। इसका जो लॉन्चिंग प्राइस है वो काफी हाई है, 4,500 रुपीज। और ये अवेलेबल है अमेजोन के ऊपर, परचेज लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे। तो ऑफ कोर्स हमने इसे परचेज किया है फ्रॉम अमेजोन, और कुछ इस तरीके से पैकिंग में हमें ये मिल जाता है। तो बॉक्स को निकाल देते हैं और कट कर देते हैं, और रैपर को भी यहाँ पे निकाल देते हैं। तो ये है नॉइस कलरफिट अल्ट्रा। बॉक्स के ऊपर यहाँ पे मेजर स्पेसिफिकेशन मेंशन किए गए हैं और बॉक्स कंटेंट एंड MRP। तो यहाँ पे आपको 1.75 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है विथ रिजोल्यूशन ऑफ 320x385 पिक्सल, एल्यूमिनियम अलॉय बॉडी, ब्लड ऑक्सीजन मीटर, कॉल एंड SMS रिप्लाई, 60 स्पोर्ट्स मोड, 9 डेज बैटरी लाइफ, IP68 वाटरप्रूफ एंड एनिमेटेड वॉच फेसेस। सो बॉक्स को कर देते हैं ओपन, और कुछ इस तरीके से पैकिंग में हमें मिल जाता है हमारा स्मार्ट वॉच एंड बाकी सारी एक्सेसरीज। तो यहाँ पे आपको USB टू मैग्नेटिक टाइप चार्जिंग केबल मिलता है, 1 ईयर वारंटी एंड इंस्ट्रक्शन मैनुअल। तो आपको इतना मिल जाएगा फ्रॉम द अनबॉक्सिंग। सो फर्स्ट लुक की बात करें तो यहाँ पे आपको 1.75 इंच की LCD डिस्प्ले मिलती है विथ रिजोल्यूशन ऑफ 320x385 पिक्सल, एल्यूमिनियम अलॉय बॉडी, और यहाँ पे साइड में एक पावर बटन भी मिल जाता है। पीछे यहाँ पे आपको हार्ट रेट सेंसर, SPO2 सेंसर एंड चार्जिंग डॉट्स मिल जाता है। स्ट्रैप्स की क्वालिटी गाइस काफ़ी यहाँ पे मुझे पसंद आई, सॉफ्ट है और चेंजेबल स्ट्रैप्स है, तो आप इसे इजीली रिमूव भी कर सकते हो। फर्स्ट लुक के बाद अगर बात करें थोड़े टाइम यूजेज की, यानी आफ्टर 1 आवर, तो भाई डिस्प्ले के अंदर मुझे इतना मज़ा नहीं आया। डायरेक्ट सनलाइट में इतना यहाँ पे ब्राइट नहीं है ये, तो आपको यहाँ पे कम्प्लीटली वॉच फेस जो है वो यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं रहेगा। अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में यूज़ करोगे तो भाई आपको यहाँ पे शेडो जो है उसका यहाँ पे सहारा लेना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे मैसेज या तो फिर कॉल नोटिफिकेशन रीड कर सकते हो। अगर बात करें यहाँ पे वेट को लेके, तो भाई इसका जो वेट है ऑलमोस्ट काफ़ी हैवी है, 42 ग्राम है, क्योंकि भाई वॉच भी ऐसा यहाँ पे बड़ा मिल रहा है आपको। और हाँ, ये काफ़ी कंफर्टेबल है और कुछ इस तरीके से आप इसे वियर कर सकते हो, और ये कुछ ऐसा लगेगा जब आप इसे वियर करोगे। ये आता है रेस टू वेक फंक्शन के साथ, और बिलीव मी काफ़ी मुझे फास्ट लगा, रिस्पॉन्स जो है काफ़ी मज़ा आया रेस टू वेक के अंदर। फर्स्ट टाइम कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे नॉइस फिट ऐप जो है उसको यहाँ पे इंस्टॉल करना है, और यहाँ पे सारी परमिशन को अलाउ करना है। और हाँ, यहाँ पे जो मीन्स बेसिक है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ऐप के अंदर। तो यहाँ पे आप वॉच फेसेस को इजीली सिलेक्ट कर सकते हो, या तो फिर आप अपना कस्टम वॉच फेस जो है वो भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। यहाँ पे जाते हैं यूज़र के अंदर, तो आपका थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लेता है। एंड नॉइस कलरफिट प्रो 3 में आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो नोटिफिकेशन, कॉल नोटिफिकेशन, सेडेटरी अलर्ट वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे ऑटो स्पोर्ट्स रिकॉग्नाइजेशन जो कलरफिट प्रो 3 में एक ऑप्शन था वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। वन मोर थिंग, यहाँ पे एक और ऑप्शन ऐड किया है, वो है क्विक रिप्लाई। तो आप अप टू 5 क्विक रिप्लाई यहाँ पे ऐड कर सकते हो, या तो फिर जो ऑलरेडी एडेड है उसको यहाँ पे एडिट कर सकते हो। मोर देन 5 यहाँ पे अलाउ नहीं है। सो नॉइस फिट ऐप का जो रिस्पॉन्स है काफ़ी मीन्स फास्ट है, मुझे काफ़ी मज़ा आया उसे यूज़ करने में। आप अपना भी वॉच फेस यहाँ पे सेट कर सकते हो, और भाई पिक्सल डेंसिटी जो है, या तो फिर आप बोल सकते हो स्क्रीन क्लैरिटी, काफ़ी यहाँ पे बढ़िया है। यहाँ पे सिर्फ एक ही बात मुझे अच्छी नहीं लगी, वो है ब्राइटनेस। अगर और ज़्यादा ब्राइट होता तो और भी यहाँ पे मज़ा आता, एंड काफ़ी सारे क्लाउड वॉच फेसेस तो मिल ही जाते हैं। सो यहाँ पे एक और फीचर ऐड किया है, और वो है क्विक रिप्लाई, जो अमेज फिट के अंदर आपको मिल जाता है। तो अब ये अवेलेबल है नॉइस के अंदर, तो आप मैसेज या तो फिर कॉल जो आता है उसका यहाँ पे क्विक रिप्लाई कर सकते हो, और आप चेक कर सकते हो आपके मोबाइल के अंदर भी वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा।
तो आप मैसेज का भी जो मीन्स हमने आगे सेट की है उसमें से कोई भी क्विक रिप्लाई यहाँ पे सेट कर सकते हो। आपको यहाँ पे SPO2 सेंसर एंड डेडिकेटेड हार्ट रेट सेंसर भी मिल जाता है और दोनों का जो वर्क है मुझे काफ़ी एक्यूरेट लगा। जब आप इसे वियर नहीं करते हो या तो फिर आप प्लेस करते हो टेबल के ऊपर तो ये डिटेक्ट कर लेता है और रीडिंग यहाँ पे शो नहीं करता है। तो ऑफ कोर्स आप यहाँ पे मेज़र कर सकते हो आपका हार्ट रेट, जो मुझे यहाँ पे काफ़ी एक्यूरेट लगा। जैसे कि देख सकते हो आप 88-87 जो नॉर्मल कंडीशन है वो यहाँ पे डिस्प्ले करता है। देन अगेन यू कैन ऑल्सो मेज़र SPO2। देन अगेन यहाँ पे आपको एक ब्रीथ मोड जो है वो भी यहाँ पे मिल जाता है। सो यहाँ पे आपको वाटरप्रूफ रेटिंग जो है वो IP68 वाला मिलता है। 5 ATM वाटरप्रूफ रेटिंग नहीं मिलता है, यानी आप इसे हल्की फुल्की बारिश में यूज़ कर सकते हो लेकिन स्विमिंग पूल के अंदर रेकमेंडेड नहीं है। तो यहाँ पे आपको 60+ स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं भाई, काफ़ी सारे यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड है और इसको यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि रनिंग स्पोर्ट्स है तो यहाँ पे आउटडोर, इनडोर या तो फिर ट्रेडमिल, और काफ़ी अच्छे यहाँ पे स्पोर्ट्स सपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप म्यूज़िक को भी कंट्रोल कर सकते हो, प्ले पोज या तो फिर वॉल्यूम या तो फिर नेक्स्ट प्रीवियस। यहाँ पे आपको कैमरा शटर यानी कि आपको कैमरा का फीचर भी मिल जाता है, जब आप शेक करोगे तो ये क्लिक कर देगा कैमरा से आपके फोटोज़। सो फाइनली बात कर लेते हैं अब यहाँ पे कंक्लूजन में। सो दोस्तों इसे मैं यूज़ कर रहा हूँ पिछले ऑलमोस्ट 3.5 यानी 4 दिन से, और यहाँ पे जो मेरा मीन्स रिव्यू है वो काफ़ी यहाँ पे ऑनेस्ट है। तो भाई बात करेंगे यहाँ पे कॉन्स के ऊपर। तो भाई सबसे पहला जो कॉन्स है वो है ब्राइटनेस। यहाँ पे हमने आउटडोर के अंदर टेस्ट किया है, यहाँ पे हमारे पास है नॉइज़, ब्राइटनेस यहाँ पे कर दिया है फुल और इतना यहाँ पे मज़ा नहीं आता है। हमारे पास है बोट वॉच एक्सटेंड, भाई प्राइस के अंदर काफ़ी डिफरेंस है लेकिन भाई बोट वॉच एक्सटेंड का डिस्प्ले जो है वो काफ़ी बेटर लगा मुझे कंपेयर टू नॉइज। बात करते हैं सेकंड कॉन्स के ऊपर और वो है ऑटो ब्राइटनेस। सॉफ्टवेयर या तो फिर हार्डवेयर दोनों के अंदर यहाँ पे ये मिसिंग है। नॉइज कलर फिट प्रो 3 या तो फिर बोट वॉच एक्सटेंड अगर हम यहाँ पे चूज करते हैं भाई तो वहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ऑटो ब्राइटनेस का, यानी मॉर्निंग में ये हो जाएगा अप टू 5 एंड इवनिंग में यहाँ पे चला जाएगा ब्राइटनेस 1 के ऊपर, लेकिन वो भी यहाँ पे मिसिंग है। सॉफ्टवेयर के अंदर भी मिसिंग है, हार्डवेयर में चलो ठीक है नहीं यहाँ पे अफोर्ड कर सकते, वैसे तो अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता हो रियलमी वॉचेज जो है उसके अंदर यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस जो सेंसर है वो आता है और वो भी एम्बियंट सेंसर आता है, काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है और प्राइस के अंदर वो भी 4500 का लग जाता है। तो भाई यहाँ पे ये मुझे मिसिंग लगा। थर्ड कॉन्स की बात करें तो भाई वो है बीजल। यहाँ पे डायल काफ़ी बड़ा है भाई और अगर आपका रिस्ट जो है भाई थीन है तो ये सूट नहीं करेगा। इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पे जो बीजल है उसको यहाँ पे छोटा रखना चाहिए। चीन जो है भाई नीचे का यहाँ पे ये वाला चीन वो भी काफ़ी बड़ा है, मीन्स आई डोंट नो वाई ऐसा क्यों यहाँ पे डिज़ाइन किया है। तो चीन अगर यहाँ पे छोटा होता, बीजल छोटे होते तो डायल साइज छोटा होता, भले डिस्प्ले 1.75 इंच का यहाँ पे रखे लेकिन जो मज़ा आना चाहिए पहनने में वो यहाँ पे नहीं आता है। फोर्थ कॉन्स की बात करें तो भाई यहाँ पे आपको GPS देखने को नहीं मिलता है। 4500 रुपीज़ गाइज और नो GPS। अगर हम जाते हैं BPU प्रो में तो वहाँ पे भी आपको GPS मिलता है। बोट वॉच एक्सप्लोर वहाँ पे भी GPS मिलता है। इवन बोट वॉच एक्सटेंड जो है तो भाई वहाँ पे आप सॉफ्टवेयर यानी कि एप्लीकेशन से भी GPS का मज़ा ले सकते हो लेकिन यहाँ पे 4500 रुपीज़ में GPS का नामो निशान नहीं है। अगर बात करें यहाँ पे फिफ्थ कॉन्स की तो भाई वो है एनिमेशन। UI के अंदर एनिमेशन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया है। स्वाइप अप, स्वाइप लेफ्ट, राइट लेफ्ट कुछ भी करते हो भाई एनिमेशन नहीं आता है। इवन जब मेनू आप यहाँ पे ओपन क्लोज करते हो ठीक है तो वो टाइम पे भी एनिमेशन नहीं आता है। तो भाई स्मार्ट वॉच का जो फील आना चाहिए एनिमेशन का वो यहाँ पे कम्प्लीटली मिसिंग है। मे बी सॉफ्टवेयर के थ्रू ये अपडेट हो सकता है लेकिन एट दिस टाइम ये अभी नहीं है। कौन की बात करें तो वो है ऑटो स्पोर्ट्स रिकॉग्नाइजेशन। नॉइस कलर फिट प्रो 3 में ये प्रोवाइड किया है, इवन बोट वॉच एक्सटेंड के अंदर भी ये प्रोवाइड किया है लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे स्पोर्ट्स मोड अवेलेबल है लेकिन ऑटो स्पोर्ट्स रिकॉग्नाइजेशन पता नहीं यहाँ पे क्यों डिसेबल है, यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। सेवंथ कोन की बात करें तो वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था भाई कोई भी फीचर डाले ना डाले लेकिन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पे होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू प्राइस 4500 काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है और भाई यहाँ पे मीन्स वो प्रोवाइड नहीं किया है। इवन रियलमी वॉच 2 आ रहा है
विथ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो भाई अगर आप यहाँ पे सोच रहे हो एक स्मार्ट वॉच खरीदने के लिए, तो आपको वेट करना चाहिए Realme Watch S 2 का। आठवें नंबर का कौन जो है भाई, वो है बैटरी बैकअप सिस्टम, काफी पुअर है। 9 डेज का यहाँ पे क्लेम है, लेकिन मुझे यहाँ पे 2 दिन का मिला है, 2 दिन भी नहीं, 1.5 दिन का यहाँ पे हमने यूज किया है, फ्रॉम मॉर्निंग 9 to evening 9। तो जो बैटरी है वो काफ़ी ड्रेन होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट 40% यहाँ पे 12 आवर्स में ड्रेन हो गया। यानी आप यहाँ पे 1.5 से 2 दिन यहाँ पे लगा सकते हो। अगर मान लेते हैं कि आप मॉडरेट यूज़ करते हो, कनेक्टेड रखते हो वॉच को, तो भी यहाँ से आपको 2 से 3 दिन का ही बैटरी बैकअप मिलेगा। 9th नंबर का जो भाई कौन से, वो है वाटरप्रूफ रेटिंग, IP68 यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो स्विमिंग पूल के अंदर आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हो। 5 ATM यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किया है। इवन बोट वॉच एक्सटेंड जो है भाई, या तो फिर बोट वॉच स्टॉर्म, तो वहां पे भी आपको 5 ATM का रेटिंग मिल जाता है, यानी आप उसे यूज कर सकते हो स्विमिंग पूल के अंदर भी। जैसे जैसे यहाँ पे प्राइस बढ़ता है, फीचर्स ऐसे ऐसे यहाँ पे कम होते हैं। एंड सबसे लास्ट यहाँ पे है ओवर प्राइस, 4500, वो लॉन्च प्राइस है गाइस। अगर रेगुलर प्राइस निकाले तो 6000 रुपीज है, तो भाई डेफिनेटली काफी ओवर प्राइस है। अगर इसका प्राइस 3000 होता, मैक्स टू मैक्स 3500 होता, तो भी ये एक्सेप्टेबल था। तो भाई यहाँ पे मुझे मज़ा नहीं आया, इसे मैंने यूज़ किया है 3 से 4 दिन, काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आए कि भाई तुम्हें कितना चाहिए कितना चाहिए, लेकिन बेटर काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में। Realme वॉचेस है, Realme वॉच 2 आने वाला है, इवन बोट वॉच एक्सटेंड जो है वो भी काफ़ी यहाँ पे पैसा वसूल वॉच आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो भाई अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।